हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास सिक्स की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फिफ्थ, व्हेन पीपल रिबेल। इसमें हम पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हम इंडियंस पे जो नवाब्स लोग थे, ठीक है, और जो पीजेंट्स लोग थे, फार्मर्स थे, उन लोगों पे काफ़ी ज़्यादा जो अत्याचार करने लग गए थे, तो फिर जो लोगों ने इंडियन लोगों ने उनकी आर्मी ने इनके खिलाफ़ क्या है रिबेल करना स्टार्ट किया, ठीक है, इनके जो भी लॉस थे उसका अपोजिशन करना स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो पॉलिसीज़ एंड द पीपल, ठीक है, इसमें जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की थी पॉलिसीज़ थी जो लोगों को उन्होंने दी थी। सो इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक्ड एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। तो जैसे पहले के चैप्टर में भी हमने ये फोर्थ चैप्टर में, पिछले चार चैप्टरों में हमने पढ़ा है जितनी भी चीज़ें, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनीज़ की डिफरेंट पॉलिसीज़ थी, इतना ज़्यादा जो वो टैक्स लेते थे यहाँ के लोगों से, तो इन सारी चीज़ों का क्या है जो मतलब इंडिया में रह रहे थे इतने सारे लोग उनका क्या है बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था हर लोगों पे, इन पॉलिसीज़ का बहुत ही ज़्यादा क्या पड़ा था इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। किंग क्वींस पीजेंट लैंडलॉर्ड्स ट्राइबल सोल्जर्स वर ऑल इफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। तो जो किंग थे यहाँ के, क्वींस थे, पीजेंट्स किसान लोग थे जो ज़मींदार थे, ट्राइबल ग्रुप था जो इंडिया का, सोल्जर्स था, ये सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था अलग अलग चीज़ों में। जैसे जो किंग क्वींस थी उनकी पावर्स जो है कम हो गई थी, किसानों से बहुत ज़्यादा मतलब वो लोग रेवेन्यू रह रहे थे, ट्राइबल्स का उनके फॉरेस्ट में ऐसे फ्रीली घूमना उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों से इन लोगों को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट की थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब लोगों ने इतने अत्याचार सहे तो उन्होंने फिर सोचा कि हाँ हम इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ क्या है रेबल करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको रोकते हैं, ठीक है। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेजिस्ट पॉलिसीज़ एंड एक्शन दैट देयर हार्म दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटीमेंट्स। तो इसमें आपने पहले भी देखा था कि पहलों ने कैसे लोगों ने रजिस्ट किया था, ट्राइबल्स लोगों ने भी इनके खिलाफ़ जो है रजिस्ट किया था इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ। तो इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे जब इतने अत्याचार हो रहे थे तो हम इंडियंस लोगों ने इनके खिलाफ रजिस्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। तो नवाब लूज़ देयर पावर, जब जो नवाब लोग थे यहाँ के इंडिया के उन्होंने जब अपनी पावर लूज़ की। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजास हैड सीन देयर पावर इरोड। तो जैसे मिड 18th सेंचुरी के में आते आते क्या हुआ, जो नवाब थे और राजास थे यहाँ के डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स के या टेरिटरी के, तो उन्होंने देखा कि जो उनकी जितनी भी पावर है, जितनी ज़्यादा पावर उनके हाथ में थी, सारी पावर जो है धीरे धीरे क्या हो रही है कम हो रही है, इरोड हो रही है, मतलब मिट रही है। दे हैड ग्रेजुअली लॉस देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, ठीक है, मतलब धीरे धीरे क्या है उनका उनकी जो अथॉरिटी थी, जो रिस्पेक्ट थी, ऑनर था, वो भी कम हो रहा था। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर रिड्यूसेस, ठीक है। इसमें क्या था कि जो रेसिडेंट्स कौन लोग होते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, उनको क्या है जो भी रूलर था उसके जगह पे इनको भेज दिया गया था, और जितने भी डिसीजन मतलब अगर कोई किंग या क्वीन अपने वहाँ के लिए ले भी रहा है, कोई राजा ले रहे हैं, तो ये लोग जो रेसिडेंट लोग थे ये लोग क्या है बहुत ही ज़्यादा उसमें अपना दखलंदाजी करते थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या करते थे इंटरफेयर करते थे। तो इसके वजह से क्या है जो नवाब्स थे, राजास थे, उनकी फ्रीडम में क्या है बहुत ही ज़्यादा ये दखलंदाजी करने लगे, बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी, और इनकी आर्म फोर्स भी जो है उसे भी बहुत ज़्यादा कम करने लगे। एंड देयर रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजेस, और जो इनकी रेवेन्यूज थे मतलब जो इनके पास पावर थी नवाब और राजास के बाद की, वो पीजेंट से रेवेन्यूज लेते थे, और जो भी इनका एरिया है सारी चीज़ें इन लोगों से धीरे धीरे लेने लगे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। सो मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो बहुत सी रूलिंग फैमिलीज थी, उन्होंने सोचा कि हम चलो ब्रिटिशर्स के साथ मिल जाते हैं जिससे कि क्या है मतलब हम लोग बच जाएं, ये लोग हमारी लैंड ना ले या फिर इनके अत्याचारों से बच जाएं। तो बहुत सी रूलिंग फैमिलीज ने सोचा कि इनके साथ थोड़ा
मिल जाते हैं, जैसे कि पहले रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हीयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। अब जैसे इसमें था ना कि पहले क्या था, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा, तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका कोई अपनी औलाद नहीं थी, ठीक है, उन्होंने क्या है एक लड़का जो है गोद ले रखा था, तो उन्होंने अंग्रेज़ों से वो इसीलिए उनके साथ मिली, मतलब उनके जो भी पॉलिसीज थी उसे एक्सेप्ट करने के लिए सोचा कि मतलब उन्होंने जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उनसे बोला कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाएगी उसके बाद क्या है जो मेरा अडॉप्टेड सन है उसको ही किंगडम मिलेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, राजा के बेटे को ही जो है राज्य मिलता था। तो रानी लक्ष्मीबाई ने ऐसा बोला कि मेरे अडॉप्टेड जो मैंने गोद ले रखा बेटा उसे मेरा जो है मेरे हस्बैंड का किंगडम दे देना। और नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजी राव टू प्लीडेड दैट ही गिव हिज फादर पेंशन व्हेन ही लेटर डाइड। तो जो नाना साहेब थे जो वो भी क्या थे गोद लिए थे, किसने, पेशवा बाजी राव, ठीक है, इनके गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहिब। तो उन्होंने भी अंग्रेज़ों से प्लीट किया कि जो उनके फादर की पेंशन है जब उसके उनके फादर की डेथ हो जाएगी, तो पहले क्या था ये अंग्रेज़ लोग जो थोड़े नवाब्स और किंग्स थे उनको जो है उनकी पोजीशन से तो हटा दिया था, लेकिन उनको क्या पेंशन देते थे। तो नाना साहिब ने बोला कि मेरे फादर की जगह जो अब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो पेंशन जो है आप मुझे दे देना। तो इन्हीं मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी चीज़ों को बचाने के लिए इन्होंने थोड़ा अंग्रेज़ों की बात मानी। लेकिन क्या हुआ, जो कंपनी थी वो उनको ये कॉन्फिडेंट था कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हमारी मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या करा, इनने जो भी प्लीज किया था इन सबको मना कर दिया, वो नहीं माने इस चीज़ों को, ठीक है। तो अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स। तो अवध क्या थी, सबसे लास्ट टेरिटरी थी जिसमें क्या है इन्होंने कब्जा किया। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज ऑन अवध। तो 1801 में क्या हुआ, एक सब्सिडरी अलायंस मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी जो अलायंस थी उन्होंने क्या है अवध में भेजी उन्होंने। और क्या हुआ, 1856 में क्या है इट वॉज टेकन ओवर, वो 1856 में जो है अवध उन्होंने ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर दैट ए टेरिटरी वॉज बींग मिसगवर्न। मतलब ये था ना कि जो अवध थी वो लास्ट टेरिटरी थी जिसमें उन्होंने कब्जा किया था 1801 में। तो जो उन्होंने एक सब्सिडरी अपनी अलायंस ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी थी अवध में, लेकिन क्या है अवध के लोगों ने जो वहाँ का रूलर था उन्होंने क्या था 1856 में वो वापस ले ली थी। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी उन्होंने ये बोला कि जो टेरिटरी है ना वो अच्छे से गवर्न नहीं हो रही है, मतलब कि जो इस अवध में अवध टेरिटरी के जो भी किंग हैं या जो भी नवाब हैं वो लोग क्या है अपने पीजेंट्स पर अत्याचार कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोली कि अच्छी गवर्नमेंट नहीं चल रही है वहाँ। तो उन्होंने बोला कि यहाँ क्या है हम ब्रिटिश रूल लेके आते हैं, वहीं के लोगों से बोला कि जिससे यहाँ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हो। सो द कंपनी इवन बिगन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी एट टू एन एंड। अब मुगल डायनेस्टी थी वो बहुत ही बड़ी थी, मुगल का जो शासन था वो बहुत ही बड़ा था, लाइक मुगल ने लगभग पहले क्या करा था हर एक एरिया में कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे ये धीरे धीरे क्या थे अपने सारी टेरिटरी में राज कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या सोचा ना कि जो मुगल डायनेस्टी है उसका इतना बड़ा साम्राज्य है तो हम इसको भी क्या है धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया ना, उन्होंने जो मुगल के किंग का नेम होता था, जो कॉइन्स बनते थे ना उसमें क्या होता था जो मुगल किंग था उसका नेम होता था, तो उन्होंने इस कॉइन्स में से क्या है उसका नेम भी हटवाने शुरू कर दिया। जो मतलब कॉइन्स कंपनी में बनते थे या जो कॉइन्स वहाँ बनते थे उसमें से मुगल का नेम हटाना शुरू कर दिया। और 1849 में क्या हुआ, गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर द फैमिली ऑफ किंग वुड बी शिफ्टेड। अब जो बहादुर शाह जफर थे ना डलहौजी वो मुगल थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर करा, गवर्नर जनरल थे हमारे जो ब्रिटिशर्स के डलहौजी, उन्होंने ये बोला कि जब बहादुर शाह जफर जो हैं मुगल उनकी डेथ हो जाएगी उसके बाद क्या है उनकी जो फैमिली है उनको हम रेड फोर्ट से हटा देंगे और दिल्ली कहीं और दिल्ली में रहने के लिए भेज देंगे, क्योंकि पहले जो मुगल्स हैं वो रेड फोर्ट में ही रहा करते थे। तो इन 1856 द गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। फिर 1856 में गवर्नर जनरल ने बोला कि जो ये बहादुर शाह जफर है ये लास्ट मुगल होंगे, इसके बाद कोई भी इनकी जब डेथ हो जाएगी तो इनका जो भी आगे वंशज होगा उन्हें क्या है उन्हें
मुगल नहीं माना जाएगा या फिर उन्हें किंग नहीं माना जाएगा, उन्हें क्या बोलेंगे? प्रिंस बोलेंगे। तो मतलब उन्होंने जो लास्ट मुगल थी वो क्या थी? बहादुर शाह जफर थे। उसके बाद जो भी उनके डिसेंडेंट्स होंगे, उनके वंशज होंगे आने वाले, उनको किंग नहीं बोलेंगे, प्रिंसेस बोलेंगे। तो ऐसे उन्होंने जो है मुगल डायनेस्टी को का खात्मा किया था एक तरीके से अंग्रेज लोगों ने। अब क्या है, तो पीजेंट एंड द सिपॉइज, जो फार्मर लोग थे और जो सिपॉइज लोग थे उनके साथ क्या हुआ था? इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार रेजेंटेड द हाई टैक्स एंड द रिजिड मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। अब जो मतलब गांव के इलाके थे वहाँ जो लोग फार्मर्स थे जो काम करते थे या फिर जो ज़मींदार थे वहाँ के, ठीक है, इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड ज़मींदार रिजेंटेड द हाई टैक्सेस। उनसे क्या है, बहुत ज़्यादा टैक्स लेने लग गए और जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का मेथड था वो भी बहुत ही उन्होंने थोड़ा जो टफ मेथड है, रिजिड मेथड है, वो अपना लिया था, ठीक है। तो मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर। अब जो बहुत सारे पीजेंट हैं ना वो लोग क्या करते थे, मनी लैंडर्स होते थे उनसे क्या लेते थे, लोन लेते थे। क्यों लेते थे? ताकि वो अपना क्या है जो टैक्स है वो भी पे कर सके और अपनी जो लैंड है उसमें अच्छी चीज़ें लगा सकें जिससे कि उनकी लैंड में अच्छी फसल हो, तो जिससे वो अच्छे पैसे कमा सके, इसलिए वो मनी लैंडर से लोन लेते थे। लेकिन क्या हुआ, बहुत सारे पीजेंट्स थे, उनके पास इतना, उनकी ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं हुई या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो क्या कर सके, अपने मनी लैंडर्स को जो है लोन वापस कर सके। तो धीरे धीरे क्या है, उनका जो ज़मीन है वो भी उन्होंने खो दी, ठीक है, उनके हाथ से ज़मीन चले गई, मतलब जब अगर वो लोन नहीं पे कर पाए, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो इंडियन सिपॉइस थे, द इंडियन सिपॉइस इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीज़न फॉर द डिसकंटेंट। अब जो इंडियन मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वहाँ पे इंडियन सिपॉई एम्प्लॉय थे, वो वहाँ पे काम करते थे, ठीक है, तो उन मतलब वहाँ के आर्मी में ही थे वो, तो मतलब उनके भी बहुत सारे अपने रीज़न थे कि वो उन्हें पसंद नहीं थी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर वो उनके अगेंस्ट जो है रेबल करना चाहते थे। मतलब रीज़न ये थी कि दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, मतलब जो वो पे उन्हें देते थे ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी सिपॉइस को जो सैलरी देती थी वो उससे भी खुश नहीं थे, बहुत कम देती थी, ठीक है, अलाउंसेस जो एक्स्ट्रा पैसे DAVA ये सब देते थे वो भी बहुत कम था, और जो उनकी सर्विस होती थी उसमें भी उनकी बहुत बुरी कंडीशन थी, कोई अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो इनके वजह से क्या है, इंडियन सिपॉइस भी उनसे नाखुश थे, उन्हें भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी उनके तरीके अच्छे नहीं लग रहे थे। सम ऑफ़ द न्यू रूल्स मोर एवर वॉयलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिटिबिलिटी एंड बिलीफ। अब क्या है, मतलब ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे नए रूल भी लाए जिसके वजह से इन सिपॉइस को ये लगा कि जो ये ब्रिटिशर्स लोग हैं ना, ये हमारा रिलीजियस बिलीफ है, जो हम धर्म को मानते हैं, ये हमारा उनको वो मतलब हमारे रिलीजियस बिलीफ को कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो रूल्स क्या थे, जैसे कि मतलब इसमें ये बोला गया कि डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव्ड दैट इफ़ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। अब देखिए, अंधविश्वास भी बहुत था पहले जो इंडियंस लोग थे उनमें, मतलब वो लोग ये सोचते थे ना कि अगर वो क्या है कंट्री को क्रॉस करेंगे सी, अगर वो पैर मतलब ज़मीन के रास्ते नहीं, अगर वो नदी के रास्ते से कंट्री मतलब अपनी कंट्री को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो अपना रिलीजन खो देंगे और वो अपनी कास्ट जो है वो खो देंगे, वो ऐसा वो लोग मानते थे। तो मतलब ऐसा ही हुआ कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनने ऐसी पॉलिसीज़ एक रूल लाए होंगे जिससे कि इन लोगों को लगा कि ये लोग हमारे रिलीजन को वॉयलेट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हुआ था ना, 1824 में हुआ था, जो सिपॉइस थे उनसे बोला था कि बुर्मा जाओ, सी रूट की तरह जाओ कंपनी के लिए फ़ाइट करने के लिए। बुर्मा में उन लोगों ने फ़ाइट किया होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो उन्होंने जो वहाँ के इंडियन सिपॉइस थे 1824 में उनसे बोला कि तुम सी रूट के हेल्प से बुर्मा जाओ, ठीक है। उन्होंने ये करने से मना कर दिया, उन्होंने बोला कि हम सी रूट से नहीं जाएंगे, उन्होंने बोला कि हम क्या है लैंड से चले जाएंगे, क्योंकि लैंड का रास्ता लंबा था। लेकिन जो इंडियन सिपॉइस थे वो मानते थे कि अगर हम नदी के रास्ते से जाएंगे तो जो ये हमारे रिलीजन के खिलाफ होगा, ये हमारे रिलीजन को वॉयलेट करेगा। तो उन्होंने बोला कि हम लैंड के रास्ते तो चले जाएंगे, हम सी रूट के रास्ते नहीं जाएंगे, उन्होंने इसको मना कर दिया। तो दे वर सेवरली पनिश्ड, तो उन्हें क्या है पनिश, बहुत बुरी तरीके से फिर उन्हें पनिशमेंट दी गई। एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, ठीक है, ऐसा इशू मतलब फिर क्या हुआ कि ये ऐसा नहीं कि ये पॉलिसी ख़त्म हो गई, ये पॉलिसी आगे चली। फिर क्या हुआ, 1856 में क्या हुआ, एक कंपनी ने क्या एक नया लॉ पास किया जिसमें उन्होंने ये लिखा था ना कि हर
1 पर्सन, हर कोई आदमी जो इंडियन होगा और जो कंपनी में इन जो कंपनी की आर्मी से जुड़ेगा, कंपनी में एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉय होगा कंपनी का, उन्हें ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा कि वो उन्हें जो है सी से भी जाना पड़ेगा अगर रिक्वायर हो तो, ठीक है। मतलब 1856 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इंडियन सिपॉइस से ये बोला कि अगर कोई भी इंडिया का कोई भी इंसान अगर कंपनी के आर्मी में जुड़ता है तो उन्हें क्या एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा जिसमें ऐसा लिखा था कि सीज़ के रास्ते भी तुम्हें जाना पड़ेगा अभी अगर कभी ज़रूरत हुई तो। सो सिपाही तो मतलब इन सारी चीज़ों से भी सिपाही जो थे नाखुश थे, पे से वो जो पे करते थे और बहुत से रीज़न थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे वो। सिपाहीज ऑलवेज ऑल्सो रिएक्टेड टू वट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। अब इनके साथ तो हो ही रहा था, सिपाही के साथ जो वहाँ बुरा व्यवहार तो हो ही रहा था, लेकिन मतलब सिपाहीज क्या थे जो गांव से आए थे ना वो लोग वहाँ काम करने के लिए, तो उनके गांव में भी बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही थी, जैसे कि बहुत सारे जो किसान थे और जो फैमिलीज जो विलेजेस में रह रहे थे उनके साथ भी बहुत सी बुरी चीज़ें हो रही थी, उनसे इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, तो जो एंगर था, एक गुस्सा था पीजेंट के अंदर हो गया, सिपाही के अंदर हो गया, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गया था। तो रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म, अब अपनी जो चीज़ें उन ठीक है इसके रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म उस पर हम पढ़ेंगे। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। अब ब्रिटिश ने सोचा कि जो इंडियन सोसाइटी है उसको हमें दोबारा रिफॉर्म करना चाहिए, नए रूल्स और लॉ वहाँ पे जो है पास करने चाहिए, या फिर मतलब जो इंडियन की सोसाइटी ने जो पहले उनके रूल्स हैं रेगुलेशन है उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए उनमें। तो लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द रिमैरिज ऑफ विडोज। अब देखिए ना, इंडिया में बहुत पहले क्या था, सती प्रथा जो है होती थी, ठीक है। सती प्रथा में क्या था कि जो वुमेन है, ठीक है, अगर उसका शादी के बाद क्या है उसका जो हस्बैंड है वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो विडो हो जाती है वो औरत, तो उस औरत को भी जिस अग्नि में उसके पति को जलाया जा रहा है उसी में औरत को ज़िंदा जला दिया जाएगा, ठीक है। ये लॉ जो है इंडिया लोगों ने बनाया था, जबकि ये कि बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो ये काम जो है ब्रिटिशर्स ने अच्छा किया यहाँ पे कि उन्होंने कहा कि जो ये सती प्रथा है इसको रोका जाएगा, मतलब इसको नहीं कराया जाएगा और आगे, और जो विडोज़ होंगी, ठीक है, उनकी जो है दोबारी शादी करने की भी उन्होंने लॉज बनाए कि विडोज़ अगर चाहें तो अपनी शादी कर सकती हैं दोबारी। ये चीज़ अच्छी की ब्रिटिशर्स लोगों ने जो सती प्रथा थी उसको हटा के। सो इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, और जो इंग्लिश लैंग्वेज था और जो एजुकेशन था उसे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। आफ्टर 1830 के बाद क्या हुआ, द कंपनी अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, मतलब जो क्रिश्चियनिटी के धर्म को मानते थे, उनको उन्होंने अलाउ भी किया कि वो मतलब अपने चीज़ें कर सकते हैं, और मतलब उनको बोला कि वो अपनी लैंड और प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। फिर 1850 में क्या हुआ ना, अ न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू द क्रिश्चियनिटी ईजियर। 1850 में एक न्यू लॉ पास हुआ जिससे कि अगर कोई हिंदू अपना क्रिश्चियन में धर्म में बदलना चाहता है तो वो आसानी से बदल सकता है। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है, जो मतलब पहले अगर जो धर्म बदलना चाहता है वो बदल सकता है। तो ऐसा लॉ पास हुआ कि अगर किसी इंडियन ने क्या है अपना धर्म परिवर्तन करा भी है, इंडियन से क्रिश्चियन बना भी है, तो वो क्या कर सकता है, जो उनकी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी है वो उसको इनहेरिट कर सकता है, वो उसको मिल जाएगी, ठीक है। अब मैन इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। अब बहुत सारे इंडियन ने बोला कि ब्रिटिशर्स जो हैं ये हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं, ये हमसे बोला है कि तुम अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी में चेंज करो, ठीक है। तो ये उन्होंने सोचा कि ये लोग जो है हमारे सोशल कस्टम्स और हमारे ट्रेडिशनल वे में बहुत ही ज़्यादा ये लोग बाधा डाल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, देयर वर ऑफ़ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। तो और बहुत सारे इंडियंस थे जो ऐसे सोशल प्रैक्टिस को चेंज करना चाहते थे, इसके बारे में हम आगे चैप्टर 7 में जो अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, थ्रू द आइज ऑफ पीपल टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ वट पीपल वर थिंकिंग डोज डे अबाउट द ब्रिटिश रूल, ठीक है। मतलब ये इसमें आपको बताया गया कि जो लोग ब्रिटिश रूल के बारे में सोच रहे थे इसमें जो दिया गया है, ठीक है, ये लोग आप देख लेना एक बार। अब इसमें क्या, इम्यूनिटी बिकम्स अ पॉपुलर रेबेलियन। इम्यूनिटी क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखी है, व्हेन सोल्जर्स एज अ ग्रुप डिसओबे देयर ऑफिसर्स इन द आर्मी। जब क्या है, जो सोल्जर इंडियन सोल्जर्स होते थे
उनका ग्रुप क्या है जो आर्मी का ऑफिसर है उनको डिसोबे करता था या फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, ठीक है, तो उसे हम यूनिटी बोलते थे। तो जब यूनिटी एक पॉपुलर, जब ये सोल्जर का ग्रुप जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इनको अपने जो ऑफिसर से ईस्ट इंडिया कंपनी को उनका और डिसोबे करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक रेबेलियन करना स्टार्ट किया इस मतलब इन ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजल, समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक्स डाउन। अब देखिए, इतने ज़्यादा अत्याचार जो हैं वो लोग कर रहे थे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल जो है हमारे यहाँ के मतलब जो भी ब्रिटिश मतलब ये पीजेंट या सिपाही ये लोग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा कि इनके पावर के अगेंस्ट, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस मतलब हमें रजिस्ट करना चाहिए, हमें इन लोगों को रोकना चाहिए, नहीं तो ये लोग हम पे ऐसे ही अत्याचार करते जाएंगे आगे आगे चल के अगर हम ऐसे ही चीज़ें होने देंगे और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। तो बहुत लोग सोचते थे कि बहुत लोग यही मानते थे कि इन सब लोगों का एक ही कॉमन एनिमी है और इसके खिलाफ हमें उठना चाहिए, और वो कॉमन एनिमी कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सारे लोग ये कह रहे थे कि ये मान रहे थे कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उठना चाहिए। सो फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज कम्युनिकेट। तो ऐसी सिचुएशन कब होती, जब लोग क्या है ऑर्गेनाइज वे में काम करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे इसके बारे में, इनिशिएटिव लेंगे मतलब स्टार्ट करेंगे रिबेलियन करना और अपना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे कि हाँ हम सिचुएशन को बदल सकते हैं और हम इन ब्रिटिशर्स से जो है इन ईस्ट इंडिया कंपनी से जीत सकते हैं। तो जो ऐसी सिचुएशन थी वो डेवलप भी हुई जब लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया, लोगों ने एक साथ मिलकर इनके खिलाफ रिबेल करना स्टार्ट किया। तो सच अ सिचुएशन डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1857। तो ये पहले का स्टार्ट हुआ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया जहाँ थे 1857 में उन्होंने रेबल करना स्टार्ट किया। आफ्टर 100 ईयर ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रेबेलियन। अब क्या हुआ, 100 साल तक जो है आफ्टर 100 ईयर्स, इतने 100 साल बाद अपने को एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या था, जो ईस्ट इंडिया था उनको क्या है एक मैसिव रेबेलियन फेस करना पड़ा, क्योंकि जो पीजेंट थे, सिपाही थे, लैंडलॉर्ड थे, ये सब इनके खिलाफ जो है रेबेल करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मई 1857 में उन्होंने स्टार्ट कर दिया एंड थ्रेटन द कंपनी वेरी प्रेजेंस इन इंडिया, और कंपनी लोगों को धमकाने भी लगे जो इंडिया में थे। तो सिपाही म्यूटिनेटेड इन सेवरल प्लेसेस बिगनिंग फ्रॉम द मेरिट एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप इन रेबेलियन। तो जो ग्रुप ऑफ सिपाही था, ठीक है, हब डिफरेंट जगह से, जैसे कि उन्होंने मेरिट से स्टार्ट किया और बहुत सारे लोगों ने क्या है आपस में मिले और उन्होंने इस रेबेलियन में मतलब वो खड़े हुए, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया। सम रिगार्ड इट एज द बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू द कॉलोनिज्म इन द 19th century एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो मतलब ऐसा बोला गया है कि ये सबसे बड़ा रेबेलियन था जो मतलब 19th century में हुआ था वर्ल्ड में, इससे पहले इतना बड़ा रेबेल कभी हुआ नहीं था, ठीक है। अब देखिए, मेरठ से स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम मेरठ टू डेली। ऑन 29 March 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर इन बैरकपुर। तो 29 March 1857 में क्या हुआ था, एक यंग सोल्जर जो कि सोल्जर था इन मंगल पांडे, उसे क्या है फांसी में लटका दिया था, क्योंकि क्या था उसने मतलब बैरकपुर का जो ऑफिसर था उस पर अटैक किया था। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेजेस। अब क्या था, जो अंग्रेज लोग थे ना उसमें क्या था मतलब जब वो बंदूक भी चलानी होती थी तो आगे जो राइफल होती थी ना उसमें क्या करना था पड़ता था, उन्हें यहाँ पे उसको अपने मुंह से खोलना पड़ता था ऊपर से पहले, और जो कार्टेजेस मतलब वो था कि वो बोलते थे जो चीज़ वो खोलनी पड़ती थी उन्हें, वो किससे बनी थी, वो मतलब काऊ के मीट, काऊ से या फिर जो पिक से, ठीक है, उससे मिलके वो बनी थी। तो बहुत से इंडियन सिपाही थे जो उन्होंने ये करने से मना किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे सिपाही जो मुस्लिम और हिंदू थे, हिंदू लोग जो है गौ माता की पूजा करते हैं, तो ये उनके धर्म के खिलाफ था कि वो जो है गौ माता का ऐसा मतलब वो करें, और इन जो मुसलमान लोग हैं वो सूअर को मतलब बहुत वो मानते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि हम लोग ऐसे गाय को गौ माता को मुंह लगाएं या फिर उनका ऐसे अपमान करें, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीज़ें करने से मना किया।
85 सिपॉयज़ वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, तो इसके वजह से क्या है 85 सिपॉयज़ को सर्विस से हटा दिया था और उनको क्या है 10 साल की सजा भी दी थी, मतलब कि उन्होंने जो ऑफिसर्स हैं उनको डिसोबे किया था। ये कब हुआ था 9 मई 1857 को। फिर द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रॉर्डनरी। अब जो इंडियन सोल्जर मेरठ में थे उनका रिस्पॉन्स उन्होंने बहुत अच्छा किया था परफॉर्म, ठीक है। ऑन 10th मई द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ। उन्होंने क्या करा, जो मतलब इन लोगों को मेरठ में जेल में इन सोल्जर्स को डिसोबे करने के लिए, मतलब इन्होंने जो डिसोबे किया था ब्रिटिश ऑफिसर्स को, उनको जेल में डाल दिया था ना उसके वजह से, तो इधर उधर के जो मेरठ के सोल्जर्स थे उन्होंने क्या करा 10 मई को वो कहाँ गए मेरठ के जेल में गए और जितने भी सिपाही को वहाँ उन्होंने जेल में बंद किया था उन्हें वहाँ से आज़ाद कर दिया और दे अटैक्ड एंड किल ब्रिटिश ऑफिसर, और जो वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन पर अटैक किया, उनको मार दिया, ठीक है। दे कैप्चर्ड गन एंड एम्यूनेशन एंड सेट फायर ऑफ द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑन द फिरंगीज। तो उन लोगों ने क्या करा, जो वहाँ गन वन रखी थी उन लोगों की, उन्होंने वो भी वहाँ से उठा ली, उनके गोला बारूद सारी चीज़ें वहाँ से उठा ली और बिल्डिंग में क्या है उनकी प्रॉपर्टी में पूरा आग लगा दी और उन्होंने क्या कर दिया फिरंगीज को, मतलब फिरंगी उन्हें बोलते हैं जो फॉरनर्स ब्रिटिशर्स थे, उन्हें डिक्लेयर कर दिया कि वॉर स्टार्ट हो चुका है। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। मतलब सोल्जर ये बोलते थे कि हम जो ब्रिटिशर्स हैं इनका खात्मा करके ही रहेंगे। बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टीट, द सोल्जर हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो उन्होंने तो मतलब कि सोल्जर बोलते थे कि हम इन लोगों को अंग्रेज़ों को हटाएंगे, लेकिन फिर ये था कि इनके बाद कौन रूल करेगा। तो सोल्जर ने बोला जो मुग़ल एम्पीरियर है बहादुर शाह जफर वो राज करेंगे, इनके बाद रूल उनका चलेगा। सो द सिपॉयज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जो सिपॉय थे वो पैदल ही पैदल गया है, 10 मई को उन्होंने चलना स्टार्ट करा मेरठ से सारे सिपॉयज़ को वहाँ से आज़ाद करके और वो अगले मॉर्निंग दिल्ली पहुँचे। As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up in rebellion. तो जैसे ही उनकी न्यूज़ आई, जो दिल्ली में रेजिमेंट थी आर्मी लोगों का ग्रुप था इंडियन सिपॉयज का, जैसे ही उन्होंने सुना कि जो मेरठ से सिपॉही यहाँ आ गए हैं तो उन्होंने भी किया है वो भी चल दिए उनके साथ, उन्होंने भी किया रेबेलियन करना स्टार्ट किया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनेशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। इसके बाद क्या फिर से ब्रिटिश ऑफिसर को मारा, उनके बंदूकें छोड़े छीने गए उनसे, कब्जा कर लिया और उनकी बिल्डिंग को जला दिया। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स गैदर अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव। तो जो सोल्जर है वो क्या है रेड फोर्ट के चारों ओर उन्होंने क्या है गोल घेरा बना लिया जहाँ बादशाह रहते थे। उन्होंने बोला कि हमें उनसे मिलना है, मदर शाहजहा जफर से। द एम्पेरर वॉज नॉट क्वाइंग विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर प्रेजिस्टेड। मतलब जो वो लोग ब्रिटिश लोग थे वो नहीं चाह रहे थे कि वो उनसे मिले, लेकिन ब्रिटिश ने सोल्जर्स ने बहुत ज़बरदस्ती की। दे फोर्स देयर वे इन टू द पैलेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाहजहा जफर एज, और वो तो ज़बरदस्ती वहाँ रेड फोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि बहादुर शाहजहा जफर ही हमारे लीडर हैं। द एजिंग एम्पेरर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। तो जो वो ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये चीज़ माननी पड़ी। ही रोट लेटर टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फिडेंसी ऑफ इंडियन स्टेट टू फाइट द ब्रिटिश, ठीक है। तो मतलब उन्होंने डिमांड किया, उन्होंने इधर उधर जो और भी रूलर्स थे, शाहजहा जफर ने लेटर लिखा सारे जो रूलर्स थे चीफ्स थे कि आगे आओ और जो है इंडियन जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ लड़ाई करो। तो ये जो बहादुर शाहजहा जफर ने स्टेप लिया था इसका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा था आगे। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो मुगल डायनेस्टी था उन्होंने क्या इंडिया कंट्री के बहुत ही लार्ज पार्ट में उन्होंने रूल किया था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड द चीफ्टियन कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल रूलर। अब जहाँ पे जो मुगल रूलर था जहाँ पे वो नहीं जा सकते थे, अब मतलब जहाँ से उनका एरिया दूर पड़ता था, ठीक है, वहाँ पे क्या थे जो स्मॉल रूलर और चीफ्टियंस थे उस टेरिटरी को वही कंट्रोल करते थे मुगल रूलर के बिहाफ में, ठीक है। थ्रेटन बाई द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल,
मैनी ऑफ देम फेल दैट इफ द मुगल एम्पायर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरी वंस मोर अंडर द मुगल अथॉरिटी. अब जो ये रूलर्स डिफरेंट पार्ट के रूलर और चिफ्टियंस थे, इन लोगों को भी अंग्रेज़ों ने बहुत ही ज़्यादा धमकाया था. तो इन्होंने भी सोचा कि अगर क्या है मुग़ल जो है वो दोबारे रूल करने लगे, ब्रिटिशर्स को हरा दे, तो क्या है हमारे भी जो पावर्स है हमें वापस मिल जाएगी और हमें फिर से जो है अपनी टेरिटरी में फिर से रूल कर पाएंगे मुग़ल अथॉरिटी के अंदर. तो ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. ब्रिटिश लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. दे थॉट दैट द डिस्टर्बेंस कॉज बाय द इशू ऑफ द कार्टिडेज वुड डाई डाउन. उन्होंने सोचा था कि जो ये कार्टिडेट्स मतलब जिसमें कि जो बंदूक में पेग और जो वो काऊ के उन्होंने वो लगाए थे, ठीक है, तो उन्होंने सोचा था कि ये कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. बट बहादुर शाहजहाँ जफर डिसीजन टू ब्लेस द रेबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन. अब जो बहादुर शाहजहाँ जफर थे उन्होंने मतलब रेबेल करने के लिए बहुत लोगों को बोला, बहुत लोग आए भी उनके सहयोग में, तो इसके वजह से क्या है पूरी सिचुएशन ही चेंज हो गई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जा चुकी थी पूरी सिचुएशन. ऑफन वन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुएज. तो फिर लोगों ने देखा तो वो भी उनसे इंस्पायर हुए, उनमें भी करेज आया, होप आई, एक उनमें भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं और अपनी जो पावर थी पहले हम उसे पा सकते हैं, ठीक है. तो उन्होंने भी रेबेल करना स्टार्ट किया. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो रेबेल था जो वो अपोज कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो बढ़ता चला गया. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. अब जैसे जो है उन्होंने जो मतलब मुगल्स लोग थे और जो इंडियन सिपॉयज थे उन्होंने क्या था ब्रिटिशर्स को दिल्ली से हटा दिया था, उसके बाद लाइक एक हफ्ते तक कुछ भी नहीं हुआ था. It took that much time for the news to travel. ठीक है, इसके बाद जो है ये न्यूज़ ट्रैवल हुई और जो अंग्रेज लोग थे उन्हें भी पता चल गया था कि ऐसे मतलब वहाँ के इंडियंस लोग ऐसे रिबल कर रहे हैं. रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइट एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट द नोडल पॉइंट. और फिर उसके बाद रेजिमेंट जो आर्मी के ग्रुप थे उन्होंने सोल्जर्स थे उन्होंने जो है उन्होंने बहुत सी जगह ज्वाइन की, जैसे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह उन्होंने अपनी रेजिमेंट बनाई और इनके खिलाफ लड़ाई की. आफ्टर दैन द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेजेस ऑल्सो रोज अप इन रेपेलियन. इसके बाद क्या है जो गाँव के लोग थे और जो पीजेंट थे विलेजर्स थे उन्होंने भी इस रेपेलियन में पार्टिसिपेट किया. ज़मींदार एंड चीफ्स हु वर प्रिपेयर टू एस्टैब्लिश देयर अथॉरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, इन ज़मींदार लोगों ने चीफ्स लोगों ने भी इसमें पार्ट किया. नाना साहिब द अडोप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर. जो नाना साहिब जो थे जो मतलब अडोप्टेड बेटे थे किनके, पेशवा बाजीराव के, ठीक है, जो कि कानपुर में रहते थे, उन्होंने भी अपनी एक आर्म फोर्स बनाई, ठीक है, और उन्होंने क्या था जो ब्रिटिश गैरिसन था उनको सिटी से हटा दिया लड़के. He proclaimed himself, वो अपने आप को बोलने लगे मैं पेशवा हूँ, ठीक है, अपने फादर के नाम से. He declared that he was a governor under the emperor बहादुर शाह जफर. उसने बोला जो बहादुर शाह जफर का एम्पायर रहेगा उसके अंडर जो है उसे गवर्नर बनाया जाएगा. इन लखनऊ बिरजिस कदर द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह वॉज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब. और लखनऊ में क्या था जो ब्रिटिश कदर था जो किसके सन थे नवाब वाजिद अली, उनको क्या है नवाब बनाया गया वहाँ का. ही टू एक्नॉलेज द सुजनरिटी ऑफ बहादुर शाह जफर. उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और उनकी जो मदर थी बेगम हजरत महल उन्होंने भी बहुत ही एक्टिव पार्ट लिया इस ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ लड़ने में. और इन झांसी में क्या था रानी लक्ष्मीबाई ने भी इन सिपॉइस को जो है जोड़ मतलब इनके साथ वो मिली थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए तात्या टोपे के हेल्प साथ. और जो तात्या टोपे थे वो कौन थे, गवर्नर जनरल थे नाना साहिब के. तो हर जगह से लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया था, तो इसकी वजह से जो है ब्रिटिशर्स जो है वो थोड़े कमज़ोर भी बढ़ गए थे और वो बहुत सारे बैटल्स जो है वो हार गए थे. सो दिस कन्विंस्ड द पीपल दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड जॉइन द रेबेलियन. तो ये कॉन्फिडेंस मतलब लोग देख के और लोगों ने भी देखा कि जो ब्रिटिश है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है, हट रही है, तो लोगों में और ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस आया, फिर और ज़्यादा लोगों ने इस रेबेलियन को ज्वाइन करा. A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in particular. ठीक है, अब 6 अगस्त 1857 को क्या हुआ, हमें एक टेलीग्राम मिला जो लेफ्टिनेंट कॉलन टाइटलर, ठीक है,
टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ड बाय द ब्रिटिश. हमें एक मतलब एक टेलीग्राम मिला जिसमें कि लेफ्टिनेंट कर्नल टिटलर थे, उन्होंने अपने कमांडर को एक मैसेज लिखा था कि उन्हें कितना फियर हो रहा है ब्रिटिशर्स के थ्रू. ठीक है, अवर मैन आर कॉड बाई द नंबर अपोज टू दैम एंड द एंडलेस फाइटिंग. ठीक है, बहुत सारी फाइटिंग जो है होने लगी और जो इवन जो विलेजर्स थे, ज़मींदार थे, सब उनके साथ थे और सब उनका अपोज करने लगे. मैनी न्यू लीडर्स कम अप, बहुत सारे नए लीडर्स जो इस रेबिलियन में आई, जैसे कि अहमदुल्ला शाह आए जो मालवी फरीजाबाद थे. ठीक है, जिन्होंने क्या दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड, उन्होंने भी लगा कि जो ब्रिटिश रूल कर रही है बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा. ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल एंड रेज अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर. उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टर अपने जोड़े. ठीक है, और उन्होंने क्या है लखनऊ में ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की. और इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजीज और रिलीजियस वॉरियर कम टुगेदर. ठीक है, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने ये वाइट पीपल के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के अंदर फाइट करना स्टार्ट किया. तो ऐसे क्या है, हर जगह लोगों ने मतलब दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हर जगह लोगों ने अपना अपना ग्रुप बनाया था और हर जगह से ब्रिटिशर्स को निकाल रहे थे. अब ऐसा तो था नहीं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग चुप बैठने वाले थे इन सब लोगों चीज़ों को देख के, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी टाइम लगा था इंडिया पे राज करने पे. तो जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो रिवेल करेंगे इसके. ठीक है, वो लड़ेंगे इनसे. तो इससे क्या हुआ, उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से, इंग्लैंड से अपनी सेना मंगाई, नए लॉ जो है उन्होंने पास किए. ठीक है, जिससे कि वो जो है ये रिबेलियन, जो ये लड़ाई है, आसानी से जीत सके. ठीक है, एंड देन मूव्ड इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ रिवॉल्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेंटर रिवॉल्ट हो रहा था वहाँ पे पहुँच गए दिल्ली. ठीक है, और उन्होंने क्या है दिल्ली को फिर से कैप्चर कर लिया. उन्होंने लड़ाई करी और 7 सितंबर में दिल्ली में फिर से उन्होंने कैप्चर कर लिया था. मतलब इंडियन लोगों ने करा उनके खिलाफ और उनको हटाया भी बहुत जगह से, बहुत लोगों से, अपने सिपाहीज, पीजेंट, सबकी हेल्प से, ज़मींदार. लेकिन जो कंपनी है उन्होंने फिर से, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, तो उन्होंने फिर से दोबारा हमारे अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई करी और वो फिर से उन्होंने दिल्ली में कब्जा कर लिया 1857 सितंबर में. फिर जो लास्ट मुगल एम्पेरियर थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, वॉज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट. उनको जेल में डाल दिया था और हिज सन वर शॉट डेड बिफोर हिज आइज. उनके बेटे को उनके आँखों के सामने मार दिया और उनको और उनकी वाइफ बेगम जिन्नत को उन्होंने क्या है जेल में भेज दिया था रंगून में अक्टूबर 1858 में. और जो शाहजहाँ जफर थे, ठीक है, वो जेल में ही मर गए थे कब, नवंबर 1862 में. सो द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाई डाउन आफ्टर दैट. अब इसका मतलब ये है नहीं है कि उन्होंने दिल्ली में कब्जा कर लिया था अंग्रेज़ों ने फिर से तो जो ये रिबेलियन था वो ख़त्म हो गया था. और जगह भी था, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, यहाँ लोग जो है रिबेल कर रहे थे. तो पीपल जो लोग थे उन्होंने इनके खिलाफ लड़ना छोड़ा नहीं था. द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 ईयर्स. ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने क्या 2 साल तक उन्हें लड़ना पड़ा था. फिर 2 साल बाद सारी चीज़ें उनके लिए फिर से ठीक हो गई थी और लखनऊ उन्होंने मार्च 1858 में फिर से वापस ले लिया था. रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड. रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने डिफीट कर दिया था और उनको जून 1858 में मार दिया. और तात्या तोपे जो है वो जंगल में भाग गए थे सेंट्रल इंडिया में और वहाँ से क्या है वो मतलब जो वहाँ ट्राइबल रह रहे थे उनके हेल्प से जो है वो इन लोगों पर जंगलों से ही जो है वॉर कर रहे थे. लेकिन उन्हें भी पकड़ा गया था और 1859 अप्रैल में उन्हें भी मार दिया. जस्ट एज अ विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इंक्रेज रेबेलियन द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज इंक्रेज डिजर्टेशन. ठीक है, और जो ब्रिटिश था उन्होंने अपना बहुत ही मतलब उन्होंने अपनी बहुत पूरी पावर लगा दी जीतने के लिए और वो जो है लोगों की लॉयल्टी भी वापस चाहते थे. तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो रिवार्ड्स फॉर द लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशन. जो लॉयल लैंड होल्डर्स रहेंगे उन्हें क्या है दोबारा से उनकी लैंड जो है वापस मिल जाएगी. और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब दे दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल. मतलब उन्होंने बोला कि अगर जिन लोगों ने रिबेल करा भी था अगर वो फिर से ब्रिटिश लोगों के साथ आके मिल जाते हैं और जो उन्होंने किसी को मारा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग सेफ रहेंगे, उनके राइट्स जो है उन्हें वापस मिल जाएंगे और उनकी लैंड भी जो है कभी कोई भी छीन नहीं पाएगा उनसे.
तो मतलब उन्होंने एक चाल जैसी चली कि हाँ इसके थ्रू हम जो इंडिया के लोगों को अपने उसमें शामिल कर सकते हैं, जिससे वो रिबल ना करें। हम ये बोलेंगे कि तुम रिबल नहीं करोगे या किसी को मारोगे नहीं तो हम तुम्हारे तुम्हारी ज़मीन वापस दे देंगे, और ये प्रॉमिस करते हैं कि कभी तुम्हारी ज़मीन तुमसे वापस नहीं ली जाएगी। अब देखिए वो इस रिबेलियन के बाद क्या हुआ था। द ब्रिटिश हैड रिगेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 में फिर से ब्रिटिश ने पूरी कंट्री में जो है कंट्रोल कर लिया था। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। बट जो पहली पॉलिसीज़ उनकी पहले थी अब वो दोबारा वो पॉलिसीज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि हम अब किसी की लैंड नहीं छीनेंगे। ठीक है, तो अब नीचे जो है कुछ पॉलिसीज़ थे जो ब्रिटिशर्स लोगों ने बनाए थे उसके बारे में बताया गया है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड अ न्यू एक्ट इन 1858 में नया पैक्ट जो एक्ट पास किया था, एंड ट्रांसफर द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। अब क्या था, पहले तो ये सारी चीज़ें जो इंडिया में कब्जा कर रहे थे ये कौन कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कौन थी, जो यूरोप से बाहर से आई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए और उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा फैलाया था, वो लोग थे। तो अब उनसे क्या बोला, जो ब्रिटिश के जो ब्रिटेन की वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि अब तुम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और हम ही लोग जो है वो यहाँ के राज करेंगे। जो वहाँ के जो ब्रिटेन के या वहाँ के किंग और क्वीन थे वही लोग जो है उन्होंने बोला कि हम ही लोग यहाँ के रहेंगे, जिससे कि मैनेजमेंट जो है अच्छे से चले। तो अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और जो ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे जो उन्होंने इंडिया को अपॉइंट करा, और उन्होंने बोला कि जितने भी यहाँ चीज़ें होती हैं उसको तुम देखोगे। ठीक है, ही वॉज गिवन अ काउंसिल, उन्हें काउंसिल भी दी गई थी जो उन्हें एडवाइस करेगी, हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें करने में, जिसे कि इंडियन काउंसिल बोला था। तो पहले तो उन्होंने ये चीज़ की, दूसरी ये की कि ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। तो जितने भी रूलिंग चीफ्स थे, नवाब्स थे, ठीक है, कंट्री के, उन्हें ये बोला कि तुम्हारी जो लैंड है, टेरिटरी है, हम उसे फ्यूचर में कभी भी उस पर कब्जा नहीं करेंगे। दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर हेयर्स, और उन्हें ये भी परमिशन थी कि तुम जो अपना किंगडम हो वो अपने आने वाले बच्चे को दे सकते हो, इवन इफ़ अगर वो तुम्हारा अडॉप्टेड सन ही क्यों ना हो, तुम उसे भी अपना किंगडम जो है दे सकते हो। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज द सोवर्जिन पैरामाउंट। मतलब उन्हें ये लैंड उन पर सारी चीज़ों पर हक रहेगा, लेकिन उन्हें क्या है, जो ब्रिटिश क्वीन या किंग है उन्हें मानना पड़ेगा कि ये क्वीन और क्वीन जो है हमसे ऊपर है, और जो हम हैं, जो वो नवाब या जो भी किंग है, हम इनके सबॉर्डिनेट्स रहेंगे। मतलब हम काम इनके अंडर ही करेंगे, फिर भी ब्रिटिशर्स लोगों के अंडर ही करेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स लोगों ने बोला काम तुम हमारे अंडर करोगे, लेकिन हाँ हम ये है कि तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा नहीं करेंगे, और तुम अपनी ज़मीन चाहे तो अपने बेटे को या फिर अडॉप्टेड सन को दे सकते हो। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि इट वॉज डिसाइडेड दैट द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस्ड एंड द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर वुड बी इंक्रीज्ड। उन्होंने ये बोला कि इंडियन सोल्जर को आर्मी में कम लेंगे हम और यूरोपियन सोल्जर को ज़्यादा लेंगे, जिसके खिलाफ अगर जिसके मतलब अगर कल के दिन कुछ बात होती भी है तो यूरोपियन सोल्जर ज़्यादा रहते हैं, तो वो मतलब इंडियन सोल्जर्स होंगे ही नहीं कम, तो वो फिर रेबल करने को ज़्यादा आ भी नहीं पाएंगे। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड एंड स्टेट ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर्स फ्राम अवध बिहार सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया। उन्होंने बोला कि अवध बिहार और सेंट्रल इंडिया से हम सोल्जर रिक्रूट नहीं करेंगे, ज़्यादा सोल्जर जो होंगे गुरखा सिख और पठान यहाँ से रिक्रूट किए जाएंगे। और उन्होंने बोला कि जो लैंड और प्रॉपर्टी है मुस्लिम की, ठीक है, उनको उस वो ज़्यादा वापस नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो जो है ब्रिटिश लोग इन मुस्लिम्स को ही रीज़न मानते थे इस रेबेलियन का, जो मतलब ये रिबेल हुआ था इतना बड़ा। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन इंडिया। और ब्रिटिश ने ये बोला कि हम जो भी तुम्हारे धर्म है, जो तुम्हारी चीज़ें हैं, उसके रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। और उन्होंने ये भी पॉलिसीज़ बोली कि द पॉलिसीज़ वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ज़मींदार एंड गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर देयर लैंड। उन्होंने ये भी बोला कि हम जो है लैंडलॉर्ड और ज़मींदार उनको प्रोटेक्ट करेंगे, और उनकी ज़मीन में जो भी है उनको ये राइट देंगे कि उनकी ज़मीन जो है कल के दिन उनकी ही रहेगी, कोई भी उस पर कब्ज़ा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है, जिसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि जो मतलब पहले इंडिया के लोग थे उन्होंने कैसे रेबल करना स्टार्ट किया सारे लोगों ने मिलके, और फिर अंग्रेज़ों ने फिर से अपना जो है शासन यहाँ पे चला लिया था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं। सो थैंक यू सो मच।